गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी ऋषिका। सो इन टुडेस वीडियो आई एम गोना शो यू हाउ टू अप्लाई शीट मार्क्स प्रॉपर्ली। सो ये वीडियो काफ़ी दिन पहले मेरे सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट किया था, सो हियर आई एम विद द वीडियो। सो अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो और आपको नहीं पता कि इसको कैसे यूज़ करना है एंड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगी जो कि आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा शीट मार्क्स के लिए। सो ये वीडियो आप एंड तक देखना एंड नाउ विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आई हैव दिस टू शीट मार्क्स फ्रॉम काया यू जो कि मुझे रिसेंटली स्मिथन से रिसीव हुआ था। सो मे बी ये दो रेंज में ही आते हैं, तो एक है ये ब्राइटनिंग फेस मास्क, देन है ये रिप्लेनिजिंग फेस मास्क, तो ये दो में आता है। तो आज मैं ये वाला यूज़ करने वाली हूँ, सो लेट्स सी। तो इसका प्राइस है 125 रुपीज़, एक पीस आपको 125 का मिलेगा। तो मैंने स्मिथन से ये दोनों ऑर्डर किया था 2 ट्रायल्स में, तो मुझे ये फुल साइज प्रोडक्ट मिले थे। सो नाउ लेट्स ओपन दिस एंड शो यू हाउ इट इज। सो यू नीड टू ओपन दिस वेरी केयरफुली, अदरवाइज से टूटने का चांसेस भी रहता है। सो डोंट फॉरगेट टू टाई योर हेयर बिफोर अप्लाइंग मास्क गाइस। सो गाइस और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब भी आप कोई भी शीट मास्क अप्लाई कर रहे हो मेक श्योर दैट योर फेस इज़ कम्प्लीटली नीट एंड क्लेंस। आपको अच्छे से फेस पहले वॉश कर देना है, फिर जाके आपको मास्क को अप्लाई करना है, वरना यह ज़्यादा वर्क नहीं करता है। क्योंकि आपका स्किन अगर पूरा क्लियर रहेगा तभी जाके ये आपकी स्किन पे अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। सो मेक श्योर दैट यू हैव क्लीन योर फेस बिफोर अप्लाइंग शीट मास्क। एंड देन कहीं भी अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि शीट मार्क अच्छे से प्रॉपर करके नहीं लगा है, सो मेक श्योर कि आपको उसको टाइटन अप करना है, अदरवाइज ये काफ़ी प्रॉब्लम दे सकता है। तो आपको अच्छे से पहले इसको टाइट कर देना, जैसे मैं कर रही हूँ। बहुत लोगों को ऐसा होता है कि स्किन में साइज़ नहीं मिल पाता है, मतलब किसी का बड़ा हो जाता है, किसी का छोटा भी हो सकता है। तो अगर आपका बड़ा होता है तो जैसे मेरा अभी बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है बिकॉज आई हैव अ स्मॉल फेस, इसलिए मैं इसको मतलब फिट कर दे रही हूँ अच्छे से ताकि ये ना खुले। एंड देन आपको इसको 10 मिनट्स के लिए, 10 to 15 मिनट्स, ज़्यादा नहीं, देन आपको इसको जेंटली रिमूव। आफ्टर 10 मिनट अगर आपको लग रहा है कि अच्छे से ड्राई हो चुका है, आपको समझ में आ जाएगा अगर ये ड्राई हो चुका है, क्योंकि जो सीरम होता है वो थोड़ा थोड़ा बहुत सूख जाता है एंड ये काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाता है। तो आपको समझ में जब आ जाएगा तब उसका आपको इसको जेंटली रिमूव कर देना है, जैसा मैंने किया लाइक दिस। एंड देन अगर आप चाहे तो थोड़ा सा आपके फेस में ऐसे मसाज कर सकते हैं, तो क्या होगा, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द सीरम वेरी जेंटली ऑन द स्किन। सो गाइस दैट्स हाउ वी कैन यूज शीट मास्क लाइक अगर आप बिगिनर हैं। सो नाउ अभी मैं आपको कुछ ट्रिक्स एंड ट्रिप्स बताने वाली हूँ जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है व्हेन यू अप्लाई शीट मास्क। सो टिप नंबर 1, मेक श्योर जब भी आप शीट मास्क यूज़ कर रहे हो तो आपका स्किन एब्सोल्युटली क्लीन होना चाहिए। आप पहले धो लो अच्छे से, यू शुड वॉश योर फेस प्रॉपरली बिफोर यू अप्लाइंग शीट मास्क। सो जो सेकंड टिप्स है वो है, आपको जो पैकेट होता है ना उसको आपको नहीं फेंकना है, इसके अंदर में जो एक्सेस ऑयल रहता है उसको भी आपको यूज़ करना है, क्योंकि ये एक सीरम होता है तो आप इसको अपने फुल बॉडी में भी लगा सकते हो जो एक्सेस है, तो ये बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिशियल रहता है। एंड इफ़ यू वांट सम कूलिंग इफेक्ट, सो आप इसको रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं फॉर 5 मिनट्स, ये आपको बिल्कुल ठंडा ठंडा इफेक्ट देगा एंड ये बहुत कूलिंग होता है। एंड द लास्ट टिप बट नॉट द लीस्ट इज़ नेवर वॉश योर फेस आफ्टर अप्लाइंग मास्क, क्योंकि अगर आप वॉश कर दोगे तो इसका जो सीरम है वो आपके स्किन पे वर्क ही नहीं करेगा। सो आपको ऐसे ही जस्ट छोड़ देना है एंड आप 2 to 3 hours बाद आप अपने फेस को जो वो है क्लीन कर सकते हैं। तो अगर आपको शीट मास्क चाहिए तो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू दिस काया यूथ वाला शीट मास्क, ये मुझे बहुत अच्छा लगा के। एंड अगर आपके फ़ायदे में शीट मास्क खरीदना है तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू टू बाई फ्रॉम स्मिथन ऐप। आपको ओनली 200 रुपीज़ पे करना पड़ेगा एंड आपको 6 ट्रायल मिल जाएगा शीट मार्क्स के। सो या मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्मिथन ऐप का। सो या दैट वॉज द वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको हेल्पफुल भी बहुत लगा होगा। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर लेटेस्ट वीडियो। सो या थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।